कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई ट्रेन की आवाज़ नहीं है, कोई प्लेन की आवाज़ नहीं है, सिर्फ आवाज़ और सिर्फ इन पक्षियों की, इन पंछियों की। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग कंप्लीट डिपेंड है ऑफ रोडिंग के ऊपर। आज का ब्लॉग पहले शूट कर रखा हुआ था, ये मत सोचना कि भाई लॉकडाउन के अंदर मैंने शूट किया है। और कहना मुझे पिछले वाली वीडियो के अंदर कह रहे थे कि भाई ये आपको लॉकडाउन है, घर पे रहना चाहिए था, पता है ना भाई, मुझे सब कुछ पता है। मैं 21 दिन वाले लॉकडाउन का पूरा फॉलो कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं घर पे ही हूँ, घर पे बैठे बैठे ब्लॉग बना रहा हूँ। पिछली बार वाला जो ब्लॉग था वो भी मैंने घर पे बैठ के एडिट किया था। हाँ, शूट मैंने पहले किया हुआ है, और जो अभी वाला ब्लॉग जो स्टार्ट होने वाला है ये भी मैंने शूट पहले किया था। ललित भाई जिन्होंने कमेंट किया था, हम नहीं जा रहे, हम घर पे ही हैं। ODR मतलब होता है ऑफ दी रोड, जहाँ पर रोड नहीं होती, सिर्फ ड्यून्स होते हैं या मड होता है या ट्रैक बने होते हैं ऑफ रोडिंग के, उसका मतलब होता है OTR। और OTR की कंप्लीट डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यहाँ पर चेक कर लेना कितना डिस्टेंस है, कौन कौन से व्हीकल जा सकते हैं, कौन कौन से व्हीकल नहीं जा सकते, और क्या क्या बेवकूफ़ी वगैरह, सारी बातें मैंने नीचे लिख दी हैं, तो जाकर चेक कर लेना। लास्ट वाला ब्लॉग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो कंप्लीट ऑफ रोडिंग का फील था, महिंद्रा थार, टोटा फॉर्चुनर, महिंद्रा XUV के साथ में। और जो अभी वाला ब्लॉग है वो हमारी ड्यूक 390 का है और अमर की CBR के साथ। हम चढ़ा लेंगे ऊपर, नहीं चढ़ा पा रहे, और मैंने ना इसके ABS ऑफ किया था और इसमें ना ABS फेलियर आ रहा है। ये हमारे हेलमेट रखे हुए हैं और ये खड़ी हमारी ड्यूक और उधर खड़ी है CBR, और जिस मकसद से हम इधर आए थे नहीं हो पाया सक्सेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यून्स है, सिर्फ थार और कोई भी फोर व्हील ड्राइव वाला व्हीकल चढ़ सकता है, हम नहीं चढ़ सकते। बाइक चढ़ा तो ली हमने ऊपर, पर अब लग रहा है कि इसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। उतार दें, उतार दें, नानो हमारे कंधे पे ले ले भाई, हमारा ताकत आ रहा है, अंडे शंडे खा रहा है आज के लिए, अभी सस्ते हो रहे, ज्यादा खा रहा है। बात ये कर लेते हैं कि हम बाइक ऊपर ड्यून्स तक क्यों लेके नहीं जा सके। कोई दो चार पांच रीजन है जो मुझे पता है। पहला, सबसे पहला रीजन है भाई, हमारे जो व्हीकल के टायर के अंदर हवा थी वो थी शायद 33-34 जो मैं रखता हूँ अपने व्हीकल के अंदर, और उस टाइम पे होनी चाहिए 25-26। तो जो व्हीकल का बेस है, सॉरी व्हीकल का बेस नहीं है, जो टायर का बेस है वो प्रॉपर मिट्टी के अंदर, वो ड्यून के अंदर उसको ग्रिप कर सके। टायर अच्छा है, नया है, मिशन का टायर है, पर फिर भी ग्रिप नहीं कर पा रहा था, इतना टाइट था ना, तो मिट्टी को ना पीछे फेंक रहा था। तो पहला तो ये वाला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि हम कुछ लेट हो गए थे, अंधेरा होने वाला था, दिमाग में टेंशन थी भाई अंधेरा हो जाएगा, हम इसको उतार पाएंगे नहीं उतार पाएंगे, वापस हम गिर ना जाएं, प्रॉपर हमारे पास गियर नहीं थे, तो इन सब जो बातें थी इसकी वजह से हम थोड़ा सा इसको ले जाने में इनकम्प्लीट रहे। पर भाई प्रॉमिस है, नेक्स्ट टाइम पे ड्यून के टॉप के ऊपर जहाँ पर हम अपने थार
पन्नाभैया वाली थार और दिनू भाई वाली फॉर्चुनर लेकर गए थे, वहाँ पर जाके हम इसके साथ में एक सेल्फी लेंगे और इंस्टा पे इसको अपलोड करेंगे। तो भाई नीचे जो इंस्टा की आईडी आ रही है यहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना, अपडेट्स मिलते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके और हम और आप आपस में कनेक्ट रह सके। पन्नावे से मैंने बात की तो पन्नावे बोल रहे थे यार ठीक है, हम हिमालयन बाइक और लाइक एडवेंचर 390 जो किसी फ्रेंड की है उनके पास, मतलब किसी फ्रेंड के पास में है उनके, तो कह रहे वो लेकर चलेंगे, और एक हमारे ड्यूक 390 और एक अमर वाली बाइक। तो इन सबको अगर आपको देखना तो कमेंट कर देना और बहुत मज़ा आ जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो भाई डिसलाइक कर देना, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट। ओके बाय बाय।